राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के द्वारा सनावत बस स्टैंड पर किसान महापंचायत का आयोजन कर सांकेतिक चक्का जाम इंदौर इच्छापुर हाईवे पर किया गया। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने महापंचायत को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल को काला कानून बताया और निमाड़ क्षेत्र के किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। लगभग 40 मिनट तक इंदौर इच्छापुर हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बाद में स्थानीय समस्याओं को लेकर बड़वाह SDM अनुकूल जैन को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में CCI के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं तथा किसानों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। CCI के अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग किसानों ने प्रशासन से की है। इस वक्त है हम इंदौर इच्छापुर हाईवे पर, कहीं न कहीं जहां आज पूरे देश में पूरे प्रदेशों में चक्का जाम चल रहा है, इसी कड़ी में किसानों की महापंचायत सनावत बस स्टैंड पर हुई और उसके बाद इन लोग किसानों के द्वारा इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी चक्का जाम किया गया है। यह चक्का जाम कितनी देर तक रहेगा इसके बारे में तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि जब तक स्टैंड यहाँ पर नहीं आते हैं और मंडी में जो CCI के अधिकारी है जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यह ज्ञापन देंगे और उस अधिकारी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर कब तक SDM सब आते हैं और किसानों से चर्चा करते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ नीलेश मालाकार, सनावत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।